नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मानव अधिकार एसोसिएशन द्वारा समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मान किया गया। कार्यक्रम शहर के प्रतिष्ठित होटल जटाशंकर पैलेस में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के एसोसिएशन व सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सहित वाइस चेयरमैन ऋषि कुमार मिश्रा, जिला अध्यक्ष सबिता भार्गव सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नारी शक्ति ने अपने अपने विचार रखे। जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता वास करते हैं। वैसे तो महिलाओं को प्रेरित करने के लिए किसी विशेष दिन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन देश व दुनिया में जो परंपरा रही है उसमें पुरुष की अपेक्षा महिलाओं को कम है। कार्यक्रम के दौरान अर्चना सिंह, रीना गिरजा पाटकर, सुनीलता राय एकबार सहित दो दर्जन से ज्यादा महिलाओं का सम्मान किया गया। मानव अधिकार एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष ने कहा, यह सम्मान उन महिलाओं का है जिन्होंने समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। शक्ति को सम्मानित किया गया है, उत्कृष्ट सम्मान द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। हमारे छतरपुर शहर के और छतरपुर जिले के जो कुछ मातृशक्ति हैं जिन्होंने विशेष तौर पर काम किए हैं, समाज सेवा के रूप में डॉक्टर्स हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में, उन्हें आज अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एसोसिएशन द्वारा महिला दिवस है। क्या कार्यक्रम था, कहाँ ये कार्यक्रम हुआ, किसके द्वारा कराया गया? महिला दिवस है, ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन की तरफ से कराया गया है और मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया था सम्मान के लिए। यहाँ बहुत ही अच्छी तरह हम लोगों को सम्मानित किया गया, काफी अच्छी चीजों से अवगत भी कराया गया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ये चीज बहुत मुझे अच्छी लगी कि नारी को सम्मान देने के लिए आज लोग तत्पर हैं और इसी आज नारी बहुत सारी क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ चुकी है। सबको सम्मान देना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अगर हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो हमें भी लगता है कि हमने कुछ किया है देश के लिए। और जो दिल्ली से आए थे उन्होंने भी काफ़ी अच्छा स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जिले भर में नारी शक्तियों का सम्मान कर उनका हौसला बढ़ाया गया। मनोज सोनी के साथ पिंटू सिंह, न्यूज साधना न्यूज। हेलो, हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं अनामिका ब्यूटी पार्लर से रंजना रावत की स्टेट से, मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा ब्यूटी जो स्वर्णाभा उपकरण है और स्वर्णाभा फेस है, इसे लगाने के बाद आप खुद ही देखिए इसका रिजल्ट कितना अच्छा है। एक चम्मच दूध में और एक चम्मच उपटन का पैक लेते हैं, इसको सिंपल पानी में या दूध के साथ घोल के। और गर्मियों में ये किसी ये फायदा करेगा ज़्यादा किसके साथ? गर्मियों में आप गुलाब जल के साथ यूज कर सकते हो, इसको टॉनर के साथ यूज कर सकते हो। अभी तो फिर भी सर्दी आ रही है तो अभी तो मिल्क के साथ ही यूज करें तो बेटर। अभी मिल्क के साथ यूज करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा इसको सिंपल मिल्क के साथ घोल के
बस मैं तैयार हो गया, बस इतना ही बोल रहा हूँ। इसे लगाना बिल्कुल इजी करके पूरे फेस पे लगा सकते हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और अगर ये धोखे से आँख में भी चला जाए, जैसे जाने में भी कोई साइड इफेक्ट का डर नहीं है, आने में एक मिनट भी नहीं लगता। इतना तो सूजी कर सकती हो ना? हाँ बिल्कुल मैम, इतना अगर इतना होगा इतने तो बहुत इजी भी हो रहा है। तो केवल 5 मिनट ही लगाना है। अगर ओके, अगर 5 मिनट लगा फेसियल में चलो मिल रहा है तो और क्या चाहिए। ओके सूजी, आप 5 मिनट वेट करिए, आपको कुछ नहीं करना है। आपका 5 मिनट हो गया है, स्किन के बाद आपको पानी लगाना है। देखिए बेटा, आपका सूजी को क्लीन हो गया, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब अंदर से भी बहुत फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है और स्किन भी कितनी क्लियर दिख रही है। जब एक बार में इतना अच्छा रिजल्ट है, फिर बार बार मैं डेली यूज करूँगी तो और कितना अच्छा लग रहा है। अब आपको बुंदेलखंड के छतरपुर में भी मिलेगा सियोन कंपनी का बैटरी से चलने वाला रिक्शा। यह रिक्शा काफी सस्ता है, सुंदर है, टिकाऊ है, मजबूत है। इसकी बैटरी ज्यादा चलती है अन्य रिक्शों से। आखिर इसमें ऐसी क्या क्या खूबियां हैं? सियोन इंडिया के रिक्शा की खूबियां बताने के लिए ऑटोमोबाइल्स के राशिद ने बताया कि रिक्शा काफी किफायती भी है, माइलेज है, बेस्ट क्वालिटी का रिक्शा है, ठीक है ना। और ग्राउंड क्लीयरेंस ज्यादा है और है सॉकर की लेंथ बड़ा और लंबाई ज्यादा है अपनी रिक्शे की, ठीक है ना। और 140 एम्पियर की अपन बैटरी दे रहे हैं, ओक्टो का चलती है, मतलब कि 140 चलने के बाद भी अपना माइलेज बचा रहता है गाड़ी का, बैटरियों का। और क्या क्या खूबियां हैं इसमें? ये खूबी है, एक तो मजबूत है, ठीक है ना, MS बॉडी पे है और अपना एक S बॉडी पे, उससे अधिकतर जो अपने रिक्शे चल रहे हैं छतरपुर में, कानपुर के रिक्शे। ये रिक्शा कहाँ भारत में बनाया गया है? भारत में अपने इंडिया ही का रिक्शा है, नाम से अप्नी कंपनी संचालित है, iCAT अप्रूव्ड है। भारत में बने सियोन इंडिया ई रिक्शा की खूबियां तो आपने सुन ली होगी, तो आप देर मत करें। सियोन इंडिया के ई रिक्शा के लिए हमारा पता है नया पन्ना का पंचपटी ढाबा के आगे, न्यू बुंदेलखंड ऑटोमोबाइल्स छतरपुर। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें न्यूज साधना न्यूज। हमारे पेज को शेयर करें, लाइक करें, यूट्यूब पर आज ही सर्च करें।